हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे वो है गोभी और आलू की सब्जी। वो भी चाइनीज़ गोभी, जिसको के ब्रोकली बोला जाता है। इसको हम बनाएंगे और इसे हम किसी डीप पैन में नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट कुकर में बनाएंगे और देखेंगे कि कुकर में इसको किस तरह से बनाएंगे कि घुटे नहीं और फूटे नहीं और वैसे ही खिली खिली बने। फ्रेंड्स, हमारे टाइम और गैस दोनों की ही बचत होगी। तो चलिए कुकर में इसको बनाते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाएंगे कि ये फूटे नहीं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे चढ़ाया है, इसमें डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल। गर्म हो चुका है, इसमें सबसे पहले हम डालेंगे इस तरह से चॉप की हुई अनियन। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब ये हल्की ब्राउन होना स्टार्ट हो रही है, यहीं पर हम सबसे पहले गैस को लो करेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, साथ ही इसमें डाल देंगे हींग। इसको चलाएंगे जब तक ये चीज़ें हमने डाली हैं। प्याज भी इसमें गोल्डन ब्राउन हो गई है। यहीं पर इसमें हमें ऐड करना है ये रफली चॉप टमाटर। टमाटर को गलाने के लिए हम यूज करेंगे नमक, जिससे टमाटर जल्दी से गल जाए। हम टेस्ट के अकॉर्डिंग पूरा ही डाल देंगे जितनी हमारे पास सब्जी है। इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे अदरक। अदरक को इस तरह से ग्रेट करके डाल देंगे क्योंकि इसमें अदरक का बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है। जब ये हल्की मोटी मोटी होती है, पिसी हुई अदरक एकदम इसके अंदर मिक्स हो जाती है और इस तरह से जब आप उसको ग्रेट करके डालेंगे तो उसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पर एक अदरक का टुकड़ा इस तरह से ग्रेट कर लेंगे, इस कर देंगे इसके अंदर। दो से तीन मिनट लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे, इससे टमाटर गलना शुरू हो जाएंगे। गलाने के लिए ढक देंगे दो से तीन मिनट के लिए। गैस लो है, ये चेक करते हैं इसको। अब टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से कटे हुए और वॉश किए हुए पोटैटो, साथ ही आलू डालने के बाद ये कटी हुई गोभी, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। बाद अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, इसमें से ये हल्दी और ये मिर्च, और बहुत ही थोड़ा सा हमें डालना है धनिया। मसालों को इसमें कर देंगे अच्छे से मिक्स। गोभी और आलू पकते पर ये मसाले अच्छे से पक जाएंगे इसमें, और बाद में हम इसको भून लेंगे जिससे ये मसाले कच्चे ना रहें। तो पहले तो बंद कर देंगे कुकर को और इस पे लगाएंगे इसकी विसिल यानी इसका वेट, और इसमें सिर्फ एक विसिल लेंगे। उसके बाद में हम गैस को ऑफ कर देंगे और प्रेशर रिलीज हो जाने के बाद में ही कुकर को खोलेंगे। तो प्रेशर रिलीज हो चुका है, इसको खोल लेंगे। ये पहले चेक कर लेते हैं कि गली है या नहीं। ये इतनी सॉफ्ट होती है कि एक ही विसिल में गल गई होगी, और देख सकते हैं आप ये एकदम तैयार है यानी कि गल चुकी है। तो कुकर में जब आप बनाएं तो इसमें सिर्फ एक विसिल लें। और अब हम गैस को ऑन कर देंगे। जो भी थोड़ा बहुत पानी छूट कर आया है आप देख सकते हैं, इसमें अभी बहुत हल्का हल्का सा पानी है। इस पानी को हम ड्राई कर लेंगे। इसको ड्राई करने के साथ ही जो इसमें मसाले हैं वो भी भुन जाएंगे अच्छे से, जो हमने बाद में डाले थे। और इसको बहुत ही केयर से भी स्टिर करेंगे जिससे कि ये भुनते नहीं, तो मसाला भी भुन जाए, साथ ही इसमें जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इसको हमने बनाते पर बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया और एक ही विसिल में इसको तैयार कर लिया है।
और ये देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और साथ ही बहुत टेस्टी भी होती है। मैं तो इसको भून लेंगे, लेकिन इससे पहले इसमें हम डालेंगे ये पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही इसमें हम डाल देंगे ये थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च और इसको भी साथ में भून लेंगे। इसे भून चुकी है, गैस को ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं इसमें ऑयल छूट आया है। फ्रेंड्स, हम हमेशा ही हर चीज़ में कोशिश करते हैं कम से कम ऑयल यूज़ करें। कि आजकल हर एक हेल्थ कॉन्शियस है, अगर आप ज़्यादा ऑयल का यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाल सकते हैं। आपके वहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं तो भी आप थोड़े ज़्यादा ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। 2 मिनट हम रख के रखेंगे और 2 मिनट के बाद में इसको डिश आउट करेंगे, जिससे इसमें जो भी थोड़ा बहुत ऑयल है वो छूट के अलग हो जाए। उसके बाद में गर्म गर्म ही डिश आउट करेंगे। अब इसको डिश आउट कर लिया है तो आप देख सकते हैं ये मसालेदार ब्रोकली और आलू की सब्जी तैयार है और इसको हम गार्निश कर देंगे अब थोड़े से कटे हुए अदरक के साथ और साथ ही इसको हम गार्निश करेंगे थोड़े से हरे धनिए के साथ। फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरह से हमने ये सब्जी कुकर में बनाई है और उसके बाद भी ये बिल्कुल फूटी नहीं है और खिली खिली बनी है। इससे हमारी गैस और टाइम दोनों ही बचेंगे और सब्जी झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप कुकर में भी हर एक सब्जी को बना सकते हैं, बस उसमें थोड़े से आपको केयर की ज़रूरत होगी और सब्जी आपकी एकदम बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि एकदम परफेक्ट बनेगी। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट्स पर हमें ज़रूर दें आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नई टेस्टी रेसिपी के साथ, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज का हमारा टिप। और टिप है, फ्रेंड्स, आपने अगर कार्बन पेपर से कुछ काम किया है और कार्बन पेपर पर से जो कलर छूटता है वो आपके कपड़ों पर लग गया है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप उसको बहुत आसानी के साथ साफ कर सकते हैं। कोई अच्छा सा डिटर्जेंट पाउडर ले लीजिए और जहाँ पर धब्बे लगे हैं वहाँ पर अप्लाई कीजिए और उसके बाद में हल्के हाथ से उसको रगड़िए, धब्बा एकदम साफ हो जाएगा। और फिर भी अगर धब्बा नहीं जाता है, पहले तो एक बार में ही वो चला जाएगा और उसके बाद भी अगर नहीं जाता है तो फिर आप इसी तरह से दोबारा करें, यानी कि वहीं पर आप दोबारा थोड़ा सा डिटर्जेंट लें, उस पर लगाएं और हल्के हाथ से रगड़ें और उसको साफ़ कर लें, आप देखेंगे धब्बा एकदम साफ हो जाएगा। तो ये था आज का टिप। नया टिप के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।